अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे आपका वेलकम। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक चिली पोटैटो वेजेस। ऐसे पोटैटो वेजेस बना के अपने शाम के नाश्ते को बनाएं और भी मज़ेदार। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने आलूओं के छिलके को उतार लिया और इस तरह से हमने इसके साइड्स को पतला पतला सा कट कर लेना है। अब हम एक छुरी की मदद से इसे इस तरह से पीसेस कर देंगे। बस इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं, साइड्स कट कर लें, फिर इसे इस तरह से आपने कट करते जाना है। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से कट कर लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हाफ कप मैदा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑरेगानो, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी डालकर हमने पहले इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पानी की ज़रूरत है तो ही आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और ऐड कर दें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये बैटर रेडी है, इसे साइड में रख दें। एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दें, उसमें आधा छोटा चम्मच के करीब नमक ऐड कर दें और जब उबाल आ जाए पानी में तो जो हमने आलू कट करके रखे हैं उन्हें हम डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। अब इसमें बॉईल आ रहा है, अच्छे से इसे पकने दें बस 2 से 3 मिनट के लिए। बस इसी तरह चेक कर लूंगी, बस इतना ही हमने पकावा चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। ये हमने सारे अच्छे से उबाल लिए हैं। हमने जो मैदे का बैटर बनाया था उसमें हम हमारे जो आलू हैं उबले हुए उन्हें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में तेल गरम कर दिया था, फिर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया और जो हमने आलूओं को मैरिनेट किया था वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमने हाई फ्लेम पर। अब ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक पैन में हमने बटर गरम कर लेना है।
बारीक कटे हुए हमने यहाँ पर लहसुन डाल देनी है। एक से दो मिनट के लिए बस हमने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है। अब इसमें एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से एक से दो मिनट के लिए हमने पका लेना है, भून लेना है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बटर आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और थोड़ा सा ऑरेगानो हम इस पर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने जो आलूओं को फ्राई कर लिया था वो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को हाई करके हमने एक से दो मिनट के लिए चलाना है। गार्लिक चिली पोटैटो वेजेस हमारे रेडी है। यहाँ मैं टमाटो केचप और मेयोनीज के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने चुटकी भर नमक ऐसे डाल लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और इसे सर्व करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।